चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां डिप्टी सीएम की आवाज पहुंचे महापौर, अरुण साव की आवाज पहुंचे एजाज ड्रेबर। पार्षदों के साथ डिप्टी सीएम से उन्होंने मुलाकात की। अब इस मुलाकात के मायने क्या निकाले जा रहे हैं जानना खास होगा। डिप्टी सीएम के आवास पहुंचे महापौर, अरुण साव के आवास पहुंचे एजाज ड्रेबर, जो कि कांग्रेस पार्टी से ही है, लेकिन अचानक से पार्षदों के साथ उनका डिप्टी सीएम से मिलना अपने आप में बड़ी खबर है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, तस्वीरें आ गई आपके सामने। अब इस मुलाकात के क्या मायने हैं ये जानना खास होगा। तो डिप्टी सीएम के आवास पहुंचे महापौर, अरुण साव के आवास पहुंचे एजाज डेबर, और केवल वही नहीं, उनके साथ पार्षदों की टोली भी यहां पर आई है। छाया हमारी सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुकी है, उनसे जानकारी ले लेंगे। छाया, डिप्टी सीएम के आवास पहुंचे हैं महापौर एजाज डेबर पार्षदों के साथ, क्या मायने निकाले जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं अस्मिता कि आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निवास स्थान पर एजाज ठेबर, महापौर एजाज ठेबर पहुंचे हुए थे, और इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बातचीत यहां पर रखी। उन्होंने बताया कि वो जो सड़क चौड़ीकरण का जो मुद्दा है पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, और इसको लेकर क्योंकि साइंस कॉलेज मैदान जो है, साइंस कॉलेज का जो रास्ता है वहां पर सड़क बहुत ही सकरा है, और इसको लेकर के सड़क चौड़ीकरण और इसके साथ ही कई विभिन्न जो मुद्दे हैं, क्योंकि बजट में भी इसके लिए ज्यादा इस बार नहीं लाया गया था, और इन्हीं सब चीजों के लिए उन्होंने बातचीत करने के लिए आज अपनी बात रखने के लिए वो वहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने बातचीत की, मुलाकात भी की अरुण साव से, उन्होंने अपनी बातों को रखा। इसके बाद अरुण साव ने दोनों ही टीमों को एक साथ बैठाने की बात कही है, दोनों ही टीमों को जो दोनों लोग हैं उनको साथ में बैठाकर उनकी पूरी बात सुनेंगे, और इसके बाद इस पर आगे निर्णय लिया जाएगा, इस तरीके की बात उन्होंने कही है। आपको बता दूं कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने जब उनसे मुलाकात की तो कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बातचीत रखी। इसके साथ ही उन्होंने, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग दोनों ही विभाग उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के पास है, और इसी को लेकर के क्योंकि अरुण साव के पास दोनों विभाग हैं और इसीलिए वो वहां पर पहुंचे हुए थे और अपनी कई बातों को रखा। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ का बजट पहले भी हमारे लिए पेश किया गया है, लेकिन 4 करोड़ का बजट बहुत ही कम है नगरीय प्रशासन के लिए, और आगे और ही शहर के विकास करने के लिए, शहर का जो रायपुर क्योंकि राजधानी है और इसका विकास, इसके विकास के लिए बहुत थोड़े और ज्यादा की बजट की जरूरत है, इस तरीके की बातचीत उन्होंने की है। और अब उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि आगे दोनों पार्टियों को बैठाकर शांति से बातचीत इस पर की जाएगी, और इसके बाद ही कोई नया जो प्रस्ताव है वो पारित किया जा सकेगा। बिल्कुल, अब ये देखना खास हुआ क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे है जिनको लेकर यहाँ पर ये पहुंचे हैं, और क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है उनकी बातों पर, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका छाया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।